नमस्कार साथियों, मत्स्य यूनिवर्सिटी हेल्प वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में जिन छात्रों को मत्स्य यूनिवर्सिटी से यूजी या पीजी की पढ़ाई करनी है उनके लिए गुड न्यूज है, उनके एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। ये मत्स्य यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट मैंने अपने कंप्यूटर में ओपन कर रखी है। नोटिफिकेशन फॉर यूजी फर्स्ट एंड पीजी प्री ऑनलाइन फॉर्म फॉर एग्जाम 2022 आपको नज़र आ रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक पीडीएफ ओपन होगी। ये पीडीएफ आपके सामने ओपन हो चुकी है। इसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण डेट, इसमें फॉर्म 2/3/2022 से और 11/3/2022 के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद 12/3/2022 से 16/3/2022 तक 100 रुपये लेट फीस लगेगी। उसके बाद 17 मार्च से और 21 मार्च के बीच में यदि आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको 500 रुपये लेट फीस लगेगी। इसके अंदर बीए प्रथम, बीएससी प्रथम, बीकॉम प्रथम और एमए प्रथम, एमएससी प्रथम और एमकॉम प्रथम के छात्रों के लिए है। बाकी क्लास के अभी फॉर्म स्टार्ट नहीं होंगे। रेगुलर और नॉन कॉलेज स्टूडेंट दोनों के लिए समान डेट है। उसके बाद पीडीएफ में कुछ सामान्य इंस्ट्रक्शन है कि आपको किस चीज़ की आवश्यकता होगी। पीडीएफ नो प्रिंट की है, मैं पूरी पीडीएफ आपको वीडियो में पढ़ के नहीं बता सकता। इसमें आपको मैं मेन मेन बिंदु बता सकता हूँ। आपको फॉर्म भरने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होगा। उसके बाद जो छात्र रेगुलर है उनके लिए 75% कॉलेज में उपस्थिति जरूरी है। उसके ठीक नीचे महत्वपूर्ण बिंदु है फीस। आप जैसे ही पीडीएफ में नीचे आएंगे तो पीडीएफ में आपके सामने 5वें नंबर पेज पर आपको जितनी जिस छात्र के हिसाब से फीस लगेगी वो आपके सामने, देखो ये पीडीएफ, मैं धीरे धीरे इसमें नीचे जा रहा हूँ। ये फीस का स्ट्रक्चर आपके आपके दिख रहा होगा। इसमें जिस छात्र को जो रेगुलर होगा रेगुलर का बॉक्स है, नॉन कॉलेज अपने नॉन कॉलेज के बॉक्स में, और इधर कक्षाएं लिखी हुई है। कक्षा के हिसाब से आपकी अपनी फीस इसमें लगेगी। इसके एक्स्ट्रा कुछ और फीस लगती है वो पीडीएफ में नीचे दे रखी है। ये पहले यूजी कोर्स के लिए है, उसके ठीक नीचे इसमें पीजी कोर्स के लिए फीस दे रखी है। रेगुलर और नॉन कॉलेज दोनों के लिए अलग अलग दे रखी है। आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से अपनी फीस देख सकते हैं। कुछ और एक्स्ट्रा फीस होती है वो नीचे पीडीएफ में मैं आपको बता रहा हूँ। जो छात्र प्रथम बार एनरोलमेंट होंगे उनके 310 रुपये लगेंगे, और जिन छात्रों को राजस्थान बोर्ड से 12वीं कक्षा पास नहीं की है उनको 310 रुपये और एक्स्ट्रा लगेंगे, और जिन छात्रों ने 12वीं राजस्थान बोर्ड से की है उनको सिर्फ 310 रुपये ही लगेंगे। उसके नीचे जो छात्र अपने प्रैक्टिकल फीस, जो छात्र प्रैक्टिकल विषय का चयन करेंगे उनको 150 रुपये प्रति सब्जेक्ट के हिसाब से लगेंगे। रेगुलर हो या नॉन कॉलेज हो उनको सभी के लिए समान लगेंगे। यदि मान लीजिए किसी के पास 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं तो उनको 150 + 150 + 150 ये फीस आपको एक्स्ट्रा लगेगी, फॉर्म में लगेंगी। उसके नीचे पीडीएफ में आपको 1500, 1000 और 2000 रुपये, ये जो छात्र बीएससी का नॉन कॉलेज फॉर्म अप्लाई करेगा उसको प्रैक्टिकल के हिसाब से 1500 रुपये प्रत्येक सब्जेक्ट के हिसाब से, और जो छात्र आर्ट से अप्लाई करेगा बीए फर्स्ट ईयर का फॉर्म नॉन कॉलेज अप्लाई करेगा उसको 1000 रुपये प्रत्येक सब्जेक्ट, और जो छात्र एमए के लिए या एमएससी के लिए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का चयन करेगा उसको 2000 रुपये प्रत्येक सब्जेक्ट के हिसाब से प्रायोगिक शुल्क देना होगा। मैन, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे ही एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट होंगे साइट पर आपको कैसे भरे जाएंगे ये सूचना आपको हमारे चैनल पर ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद।